अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है और इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शैव यानी शिव साधक से संबंधित हैं। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप है अघोर रूप। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज़्यादा रहस्यमय है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान और अपनी अलग विधियाँ हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं है, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज़ में समान भाव रखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई बातें ऐसी है जिन्हें सुनकर आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि वे कितने कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आप जानेंगे जहां अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। तो आइए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं अघोरियों के रहस्यमय जीवन से और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों से जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना ही सोचा होगा। अघोरी ये 3 तरह की साधनाएं करते हैं, शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है और बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ यानी जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है उसकी पूजा की जाती है। उस पर गंगाजल चढ़ाया जाता है और यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस और मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अघोरी आखिर शव साधना के लिए शव लाते कहाँ से हैं? तो हिंदू धर्म में आज भी किसी भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप से काटने पर मरे हुए लोगों या फिर आत्महत्या किए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं और अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढकर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। और ये बातें पढ़ने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी साधना को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत हठी होते हैं और अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती है, जैसे कि वो बहुत गुस्सा हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु का या असल नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं जहाँ एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं और वे अगर किसी से कोई बात कह दें तो उसे अवश्य पूरा करते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है।
इसलिए वे शमशान में रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन से अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है, इसलिए वे प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते और ना ही ज़्यादा कोई बात करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती है और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाटी ऐसी हैं जहाँ तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है, और ये है तारापीठ का शमशान पश्चिम बंगाल में, कामाख्या पीठ असम में, त्रंबेशकर और उज्जैन का शमशान नासिक और मध्य प्रदेश में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो यह थी अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़ी कुछ बातें जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज हैं। लेकिन अघोरियों के बारे में जानने के लिए अभी भी और भी बहुत कुछ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा। इसके साथ ही अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका अघोर पंथ और अघोर साधकों के बारे में क्या कहना है। इसके साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।